बहुजन क्रांति संघ द्वारा घुड़घुड़ी तालाब पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बहुजन क्रांति संघ के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पासी के द्वारा उपस्थित लोगों को सम्मानित किया गया और गीतों के माध्यम से लोगों को समाज में फैली बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी गई और बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों को लोगों को बताया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं इन सफल बहुजन क्रांति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल पासी व अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। मेरा नाम डॉक्टर मोहनलाल पासी, बहुजन क्रांति संघ का अध्यक्ष। बहुजन क्रांति संघ की विचारधारा क्या है और आज क्या कार्यक्रम है आपका? आज सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो है कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ता सम्मेलन क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। समय बहुजन क्रांति संघ का मतलब ये हुआ बहुत लोगों का संघर्ष है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी के लोग कोई भी हो, सभी लोगों को मिल करके उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको दूर करके और समाज की लड़ाई लड़ने का उद्देश्य है बहुजन क्रांति संघ का। तो किस तरीके का रिस्पांस अभी आपके जो है संघ को मिल रहा है, किस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं? हमारे संघ में नौजवान, बुजुर्ग और हर वर्ग के लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं और लग रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे लोग धरना दे रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं और जो है थाना तहसील का घेराव कर रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा तो इसलिए वो हमारे संगठन के लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं और नौजवानों का बहुत ज्यादा उत्साह है। जिस तरीके से अभी भी लोगों में ऊंच नीच की भावना विद्यमान है, जिस तरीके से लखनऊ अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जगह देखा जाए तो आज भी जिस तरीके से हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? इसीलिए बहुजन क्रांति संघ का गठन करना पड़ा, जो इस सरकार में या इस समय जो घटनाएं घट रही, मैंने देखा लखनऊ हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे फाफा में हो, जहां जहां पर जो घटना घटी है, समाज के लोगों पर जो है अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, इस तरीके से जो सब लोग परेशान है, विशेष वर्ग के लोगों ने परेशान किया, इसलिए बहुजन क्रांति संघ का गठन करके हम लोग समूह के रूप में उनकी मदद, हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं और हर दिए जाते हैं। हम लोग संघर्ष करते हैं, उनकी बात हम लोग कुछ अधिकारियों तक सदन तक पहुंचाने का काम करते हैं। चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो है कि हमारे बहुजन समाज के, बहुजन क्रांति संघ के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्र होकर जुड़े और जो है अपने हक और हकों की लड़ाई लड़ें और एकजुट हों और न्याय के खिलाफ संघर्ष करें और लड़ाई करें। ठीक, धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कार्यक्रम है? पूरे प्रदेश और देश की जो परिस्थितियां हैं, इन सब चीजों पर हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आजादी के 75 सालों में समाज जहां पर सभी पर आंदोलन मौजूद है, इस देश में लगभग 90% जो है वंचित समाज के लोग हैं, जिनके पर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और उनका हक और उनका अधिकार नहीं मिला। कानून व्यवस्था चरमरा गई है, हत्याओं का दौर बढ़ चुका है, चोरियां हो रही है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, इन तमाम चीजें दिखाई पड़ी हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए हम उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास सबका साथ तो इस देश में 130 करोड़ लोगों की आवाज वर्तमान सरकार के साथ मिलकर के मजबूत सरकार बनाने का काम किया है, लेकिन जो इनके नारे हैं वो खोखले निकले हैं। इनसे निजात दिलाने के लिए बहुजन क्रांति संघ का लोगों ने ये उसका गठन किया है। भारत का संविधान, भारत ने जो कानून बना है, कानून का राज होना चाहिए। न्याय जो अन्यायी है, जो उत्पीड़न कर रहे हैं, वो जेल की सलाखों में जाना चाहिए और अगर ये इस पर रुकावट नहीं हो पाती तो हम लोग मिलकर के जन आंदोलन को अंत करते हैं। धन्यवाद। परिचय दें, नाम मैं भगवत प्रसाद मौर्य मंडल अध्यक्ष
आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे और बहुजन क्रांति संघ के विषय में क्या कहना चाहेंगे? बहुजन क्रांति संघ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारा समाज राजनीतिक लोग बहुजन के नाम पर कथा कथित लोगों को वोट लेकर के दुरुपयोग करते रहे, लेकिन जिन लोगों ने बहुजन के महागुरुओं और बहुजन के महापुरुषों को पढ़ा, चाहे ललित सिंह यादव रहे हों, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, चाहे सावित्री बाई फुले रही हों, और चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी रहे हों, जिन्होंने समाज के लिए क्रांति की, उनकी क्रांति थी कि मानो मानो एक समाज। तो आज जब मानो मानो एक समान है तो संवैधानिक अधिकार भी उनको समान मिलना चाहिए, लेकिन आज व्यवस्था क्या है, हत्या चोरी डकैती लूट सब चरम सीमा पर पड़ रही है, और कोई सब जितना अधिकारी और पदाधिकारी और खासकर राजनेता वो सब कानून आले बैठे हैं, अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये लग रहा है कि राजनीतिक सत्ता के गुलाम हो चुके हैं ये, क्योंकि उनके कामों का जी नहीं रह रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि जैसे हमारा काकोरी ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, जब तथाकथित लोगों का यहाँ पर बोलबाला था, और जब हमारे बहुजन समाज के साथ, खासकर दलितों के समाज के साथ जब अत्याचार हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, तो हमारी समाज के लोग निकल करके और अंग्रेजों ताकत को आजमाने के लिए रेल लूटी थी, उनको आगाह करा दिया था कि हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं और अपने हाथ अत्याचार की लड़ाई लड़ेंगे, तो उनको भागना पड़ेगा। आज बहुजन क्रांति मोर्चा ये संदेश देता है, जितना युवा और शिक्षित वर्ग है एकजुट होकर के और आगे संघर्ष करेगा, क्रांति करेगा, आंदोलन करेगा, और आंदोलन करके ये जो तमाम प्रकार के विडम्बनाएं हैं हमारे समाज में, इन विडम्बनाओं को समाप्त करके और मानवता और समता और ममता का सबका सहयोग करा करके और यहाँ पर समानता के साथ लागू करेगा। ठीक, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के विषय में? कहना चाहूंगा कि आज बहुजन क्रांति संघ का जो गठन किया गया, गठन का मतलब ही यही है कि बहुजन गरीब पिछड़े लोग हैं उनके समाज में लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनका उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और जो लोग बेरोजगार हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी छाई हुई है, लोगों को काम नहीं है, लेकिन नेताओं के करोड़ों रुपया निकल रहा है, 500 करोड़ नेताओं के निकल रहा है, लेकिन हमारी जनता गरीब जनता भूखी मर रही है, जो हमारे युवा हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, लेकिन नेताओं के करोड़ों रुपया निकल रहा है। इसीलिए एक बहुजन क्रांति संघ का गठन हुआ है, लोगों को जागरूक करना है और इन लोगों को जो है लड़ाई